नमस्कार दोस्तों, आज मैं लमगड़ेश्वर महाराज में आया हुआ हूँ और यहाँ पर अभी आज हमें 3 दिन हो गए हैं। आज हमारी ये गुरु भाइयों की टीम आई हुई है और ये पास ही के गांव के रहते हैं, ये भगत लोग हैं। देखो, ये कोई पानी का जल दे रहे हैं, कोई खुदाई, कोई गुड़ाई, कोई निराई, कोई सफाई, मैं सब लगे हुए हैं हमारे भगत लोग। हाँ, इनके भी दर्शन कराता हूँ मैं भगत लोगों के आपको। और ये महाराज जी की फुलवाड़ी चल रही है जो मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। गाइस देखिए कितना भव्य सुंदर नज़ारा है। और ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज इसमें अकेले इस जंगल के बीच में इस कुटिया में महाराज तपस्या करते हैं। जसवीरगिरी जी महाराज यहाँ पर साधनारत हैं। और गाइस देखिए कितना सुंदर भव्य नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना भव्य सुंदर ये नज़ारा है। देखिए भाई, चारों तरफ से जंगल और जंगल, चारों तरफ से जंगल। ये देखिए गाइस कितना सुंदर नज़ारा है ये। और ये लग रहे हैं जी सब हमारे गुरु भाई हैं, ये भगत भक्त मंडली है यहाँ की, ये मंडली है और ये सेवा देते हैं, यही लोग यहाँ की सेवा करते हैं। और हमको भी यहाँ पर सेवा का मौका मिला और ये सब लमगड़ेश्वर महाराज जी की कृपा है। गाइज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब मेरे हमारे गुरु भाई हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। देखिए गाइज ये सब सेवा दे रहे हैं, पूरी ये फूलों का ये बाग है। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ये अभी गुड़ाई निराई सफाई का अभियान चल रहा है। आज हमारे गुरु भाई आए हैं, सब ये अपने अपने स्थान में सब सर्विस करते हैं, लेकिन शनिवार और इतवार को यहाँ आकर के और ये सेवा देते हैं। देखो कितने ये कितने सब ये लोग हैं, कितने सज्जन ये लोग हैं। देखिए एक गुरु भाई हमारे वहाँ पर सफाई कर रहे हैं, अद्भुत नज़ारा। गाइज कभी भी आए यहाँ, यहाँ आए, यहाँ का आनंद लें। और यहाँ दो तरह से आया जा सकता है, एक तो आप हल्द्वानी से भी आ सकते हैं रानीखेत होकर के और तालीखेत के पास उतरें और किसी से पूछ लें लमगड़ेश्वर महाराज कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ सुविधा है, यहाँ आप रहें, यहाँ पर आनंद लें, यहाँ पर जप तप करें और तपस्या। तो ये बहुत शांतिप्रिय स्थल है सबसे सारे। और अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, वृंदावन से हमारे ब्यास जी हैं, ब्यास जी वृंदावन से आए हुए हैं, इनको लेकर मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अभी ये भी तपस्या में लीन है, यहाँ पर जप तप कर रहे हैं। देखिए ये हैं हमारे ब्यास जी और ये इनके दर्शन कीजिए। ये ब्यास जी हमारे कथावाचक हैं और पूरे राजस्थान में, अधिकतर राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन जगहों में इनका ज़्यादा है, आप करते हैं वहाँ। तो गाइस देखिए भव्य मूर्ति हैं और बस सुंदर दृश्य हैं इनका। देखिए भव्य मूर्ति हैं और वेदांत आचार्य हैं आप। और गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये मंदिर है लमगड़ेश्वर मंदिर। ये देखिए भव्य नज़ारा, चारों तरफ जंगल। पांच बहुत बड़ी खासियत मैं आपको गाइस बता रहा हूँ यहाँ की, यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। ये पांच तो पहाड़ हैं, पांच पर्वत और पांच छोटी सी नदियाँ और पांच शमशान घाट। ये लमगड़ेश्वर महाराज की अद्भुत कृपा है यहाँ पर और गजब का यहाँ का नज़ारा। जिधर को देखो हरियाली हरियाली, मौसम मौसम का तो कहने ही नहीं। आप समझ लीजिए कि यहाँ रात को, आज भी रात को यहाँ पर हम कंबल ओढ़ के सोते हैं, इतना यहाँ का नज़ारा है, गजब का अद्भुत दृश्य। गाइज आप भी यहाँ आए और ये अपना आश्रम है, लमगड़ेश्वर आश्रम है ये, और यहाँ आए और यहाँ के दर्शन करें और सेवा करें। आश्रम है, यहाँ पर श्रम करना पड़ता है। देखो हमारे भाई सब गुरु भाई लोग लगे हुए हैं, देखो ये देखिए सारे गुरु भाई लोग लगे हुए हैं। और ब्यास जी हमारे साधना में रत है, मैंने अभी आपको पहले भी पूर्व में भी दिखाया, आप वृंदावन से आए हुए हैं और आप भव्य मूर्ति हैं और इनकी कृपा से मैं भी इनको यहाँ लाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखो गाइज कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है और ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइज। और इस आप आए यहाँ, यहाँ का आनंद लें। बहुत बहाद जय हो, जय हो, जय हो, गुरु भाइयों की जय हो, सारे भक्तों की जय हो, संतों की जय हो, आज के आनंद कंद भगवान की जय। गाइज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या सुंदर नज़ारा। देखिए आप इस नज़ारे का भी आनंद ले लीजिए, क्या सुंदर नज़ारा है। देखिए अलग अलग व्यू में अलग अलग आपको अलग अलग चीज़ दिखेगी, अलग अलग नज़ारा,
शाम का नज़ारा यहाँ, सुबह और शाम का तो नज़ारा गजब का नज़ारा है गाइज यहाँ पर। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो ये पांच पहाड़ हैं, अलग अलग पहाड़ हैं ये पहाड़ नीचे तलहटी में हैं। आप ये समझिए कि 15,000 1,200 फीट नीचे पे हैं हम इस समय टॉप से। जो ये टॉप दिख रहा है इससे 1,200 फीट नीचे हैं हम, और ये सब ऊपर। अभी हमने कल इधर से जाना है। ये टॉप जो आपको दिख रहा है बीच में, ये ताड़ी खेत है। और गाइज आए आप यहाँ का आनंद लें, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर पर्याप्त सब बाबा ने सारी सारा आइटम रखा हुआ है, सारी सेवा यहाँ पर भक्त देते हैं। आइए महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव शंभो।